हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सेल बायो। हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक भी कहते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे। जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कवर किया था 1831 में इन द रूट सेल ऑफ ऑर्किड प्लांट। जो ऑर्किड प्लांट्स हैं उनमें देखा था। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे न्यूक्लियस को? न्यूक्लियस को हम सेल का डायरेक्टर कह सकते हैं, निर्देशक। जो भी सेल में होगा वो न्यूक्लियस के अंडर होगा। कंट्रोल ऑल सेलुलर फंक्शन, सेल के जितने भी फंक्शंस हैं वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। उसके बाद इसकी अक्रेंस की बात करें, किन में मिलता है? और यूकैरियोटिक सेल में होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हम बात करें, हमारा मेच्योर जो आरबीसीज है मैमल का। उसके बाद हम बात करें सीव ट्यूब एलिमेंट्स, फ्लोएम टिश्यू के सीव ट्यूब सेल में नहीं होता। उसके बाद ट्रकीड एंड बेसल्स, जाइलम के ट्रकीड एंड बेसल्स में भी ये नहीं होता। पोजीशन कहाँ होता है सेल में? जनरली जब बात करें तो ये सेंट्रिक पोजीशन कवर करता है, सेल के सेंटर में पाया जाता है बेसिकली न्यूक्लियस। बट कई जगह पे ये पेरिफेरल भी होता है, जैसे एडिपोसाइट है, लिपिड स्टोरिंग सेल है लीवर के, उसमें पेरिफेरल होगा। और कॉलमनर सेल जो होते हैं उसमें बेसल होगा। और प्लांट सेल की बात करें तो उसमें ईसेंट्रिक होता है, क्योंकि मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल का टॉपिक आपको करवा दिया। प्लांट सेल में आपको बताया था कि सैप वैक्यूल बड़ा होता है, सेंट्रल वैक्यूल, वो न्यूक्लियस को एक जगह साइड में रिप्लेस कर देता है। नंबर इसकी बात करें, ज़्यादातर सेल में एक ही होता है, दैट इज़ द मोनो कैरियोटिक और यूनी न्यूक्लिएटेड। जिन सेल में एक न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं मोनो कैरियोटिक और यूनी न्यूक्लिएटेड। ए न्यूक्लिएटेड अगर न्यूक्लियस नहीं होगा, कुछ सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ आरबीसीज में नहीं होता, मैमल्स के मेच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता। बाई न्यूक्लियट अगर दो न्यूक्लियस हैं, कई ऑर्गेनिज्म में, कई सेल्स में दो न्यूक्लियस होते हैं, जैसे पैरामीशियम है, प्रोटोजोआन में आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम आपने पढ़ा होगा, उसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस, दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। और अगर दो से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं किसी में तो उसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं, मोर देन टू। जैसे ओपलिना है, उसमें काफ़ी न्यूक्लियस होते हैं। ओपलिना एक प्रोटोजोआ है। क्लैनोसिनोसिटिक जो हाइफे होते हैं फंगस में, उसमें सेप्टा नहीं होता और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। नॉन सेप्टेड और एसेप्टेटेड, न्यूक्लियस ज़्यादा होगा इसको सिनोसिटी कंडीशन कहते हैं। आगे शेप, न्यूक्लियस की काफ़ी शेप्स पाई जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। यहाँ डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा।
स्केमस सेल में फ्लैटेंड होता है, क्यूबॉइडल में राउंडेड, कलमनर में ओवल, पैरामीशियम में बीन शेप, वॉर्टिसेला में हॉर्सशू, स्मूथ मसल में एलोंगेटेड, स्टेंटर ऑर्गेनिजम्स में मलिनीफॉर्म, और सिल्क स्पिनिंग सेल ऑफ इंसेक्ट का जो लार्वास में ब्रांच्ड, सीनोफिल में दो लोब होते हैं, बेसोफिल में तीन, न्यूट्रोफिल में मैनी लोब, और अमीबा में लेंस शेप। सो ये डिफरेंट शेप्स हैं न्यूक्लियस की। आई होप आपको शेप समझ आ गई होगी। उसके बाद साइज की बात करेंगे। न्यूक्लियस का साइज वो वेरी करता रहता है ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, और ये न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है एनसी रेशियो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियस बड़ा होगा। सेल का वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से न्यूक्लियस होता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो सेल की है, सेल ज़्यादा एक्टिव है तो उसका न्यूक्लियस भी बड़ा होगा। आगे बात करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन की, क्या क्या इसमें केमिकल्स मिलते हैं न्यूक्लियस में, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन्स, 80% प्रोटीन होता है न्यूक्लियस में, और ये एसिडिक और बेसिक दो तरह के प्रोटीन होते हैं। 65% एसिडिक हैं और 15% तक बेसिक। और एसिडिक में आपको न्यूट्रल भी मिल जाएंगी और एंजाइमेटिक भी होती हैं, और बेसिक में आपको हिस्टोन प्रोटीन्स मिलती हैं, और एसिडिक नॉन हिस्टोन होती है। उसके बाद डीएनए 12%, आरएनए 5%, लिपिड्स 3%, और मिनरल आयंस भी होते हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, ये यहाँ आयंस में मिलते हैं। और इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, इसके चार कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के चार पोर्शन हैं। पहला आएगा इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। दूसरा आएगा इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें साइटोप्लाज्म है, लिक्विड जो है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड पे आ गया आपका न्यूक्लियोलस, छोटा न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर। लास्ट में आता है क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटीरियल। तो ये पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या क्या होता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन है इसको न्यूक्लियोलेमा भी कहते हैं, कैरियोथीका भी कहते हैं, और ईक्लैब साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1845 में जो इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, डबल होती है ये, आउटर एंड इनर। आउटर को हम कह देते हैं एक्टो कैरियोथीका, और इनर को कह देते हैं एंडो कैरियोथीका। और आउटर में अगर देखें तो इसमें राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अटैचमेंट मिलेगी, और इनर में आपको राइबोसोम नहीं मिलेगा, नो राइबोसोम,
एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर को निकलता है, प्लाज्मोडेसमेटा आपने पढ़ा होगा। और प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स के फाइबर होते हैं जिसको न्यूक्लियर लेमिना भी कहते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन में मिलते हैं, इसको न्यूक्लियर कॉर्टेक्स और हनी कॉम्ब लेयर भी कहते हैं। हनी कॉम्ब लेयर को क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, हनी कॉम्ब लेयर कहाँ होती है? दो मेम्ब्रेन्स जो हैं आउटर एंड इनर, इसमें स्पेस होता है इसको सेपरेट करता है, उसको कहते हैं हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। 10 से 15 50 नैनोमीटर साइज होता है, और उसके बाद आता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर भी होता है, 1000 से 10000 तक एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर हो सकते हैं, और ऑक्टागनल स्ट्रक्चर होते हैं ये। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मिलेंगे न्यूक्लियर पोर, और 40 से 1000 एमस्ट्रॉन्ग डायमीटर होगा इसका। और जो पोर है कॉम्प्लेक्स, इसको पोर बास्केट भी कहते हैं, और इसमें एनुलस स्ट्रक्चर होता है, और उस एनुलस में 8 माइक्रो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं इसकी बॉल में, एनुलस की बॉल में। और इसके अंदर एक चैनल कवर होता है जिसमें न्यूक्लियो प्लाज्मीन प्रोटीन होती है, न्यूक्लियो प्लाज्मीन प्रोटीन जो कि एनुलस के अंदर चैम्बर बनता है, चैनल बनता है उसका, और इससे सब्सटेंस जो है इजीली मूव कर पाते हैं न्यूक्लियस के अंदर और बाहर। जो एनुलस है वो एक डायाफ्राम का काम करता है, और उससे रेगुलेट होता है साइज ऑफ न्यूक्लियर पोर। ओरिजिन की बात करें न्यूक्लियर पोर की, इसमें फ्यूज़न हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो एलिमेंट्स हैं फ्यूज़ होके न्यूक्लियर पोर बनाते हैं जब सेल टेलोफेज़ में होता है, सेल डिवाइड करता है उस टाइम। फंक्शंस क्या होंगे न्यूक्लियर पोर के? रेगुलेट करेगा NC रेशो, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म इंट्रैक्शन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल जाएगा, अलो करता है पासेज ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स मूव कर पाते हैं, ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल नहीं जा सकते अंदर। पिनोसाइटोसिस लिक्विड भी अंदर जाता है इससे, फैगोसाइटोसिस सॉलिड भी न्यूक्लियस इनगल्फ करता है थ्रू द न्यूक्लियर पोर। इसमें RNA राइबोसोम पास करता है पासेज, इसका जो फाइब्रस लेमिना होता है वो हेल्प करता है इंटर डेजोल्यूशन और रिफॉर्मेशन करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ड्यूरिंग द सेल डिवीजन।
न्यूक्लियर पोर के एलिमेंट्स के बाद ही सेल मेम्ब्रेन बनती है सेल डिवीज़न में। तो यहाँ स्ट्रक्चर देखिए डिटेल न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर पोर नज़र आ रहा है ऊपर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस नज़र आ रहा है, क्रोमेटिन थ्रेड, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसेंटर, कैरियोसोम, न्यूक्लियोलस और कैरियोलिम्फ जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये नीचे है इसका न्यूक्लियर पोर, पोर कम्प्लेक्स है, एनुलर स्ट्रक्चर है, बाहरली मेम्ब्रेन या इनर, और इनर में आपको फाइब्रस लेमिना मिलेंगे, दो मेम्ब्रेन में स्पेस है, उसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। उम्मीद आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है, इसको न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं और कैरियो लिम्फ का भी नाम देते हैं। डायग्राम में आपको दिखा चुका हूँ अभी। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, होमोजीनियस होता है और सेमी फ्लूइड, थोड़ा विस्कस भी होता है, कोलाइडल नेचर होता है इसका, और ग्राउंड सब्सटेंस होता है। केमिकल की बात करें, इसमें शुगर, मिनरल, न्यूक्लियोटाइड, राइबोसोम, एंजाइम्स, डीएनए और आरएनए के पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज सभी मिलते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। फंक्शंस, न्यूक्लियस का स्केलेटन बनाता है, न्यूक्लियस को शेप देता है न्यूक्लियोप्लाज्म, स्पिंडल फॉर्मेशन करवाता है, वो प्रोटीन्स बनती हैं इसकी स्पिंडल की, NAD, ATP, DNA, RNA, ये सारा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बनता है, राइबोसोम भी इसके अंदर बनता है, राइबोसोम के सब यूनिट लार्ज एंड स्मॉल। इसमें क्रोमेटिन जिसको जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियस दोनों ही इसके न्यूक्लियोलस इसके अंदर ही होते हैं, थर्ड इसका पार्ट है न्यूक्लियोलस, ये भी आपको न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मिलेगा। फोंटेना ने इसको 1781 में देखा था, ईल के स्किन के सेल में। बोमैन ने न्यूक्लियोलस टर्म दी थी 1840 में। स्ट्रक्चर की बात करें, इसका वैगनर ने स्ट्रक्चर दिया था 1840 में। पोजीशन, एसोसिएटेड होता है ये NOR से, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, ये क्रोमेटिन का पार्ट होता है, उसके साथ ये अटैच होता है, और ये एब्सेंट होता है RBC में, क्योंकि RBC में न्यूक्लियस ही नहीं होता, और जीस्ट में भी नहीं होता, ये स्पर्म में भी नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल में भी नहीं होता ये। स्ट्रक्चर अभी आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर है इसका, ये नेकेड होती है ऑर्गेनेल, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके चार पार्ट हैं, सेंट्रल एंड प्रोटीनेशियस पार्ट है, इसको कहते हैं पार्स मोर्फा एंड फिब्रिलर जोन,
और ग्रेनुलर जोन राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन एंड ग्रेनुल्स का होता है जो कलेक्टिवली न्यूक्लियो न्यूक्लिनीमा बनाते हैं, और आउटर न्यूक्लियर एसोसिएटेड क्रोमेटिन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए एंड अगेन डिफरेंशिएटेड होता है पेरी एंड इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन, ये देख सकते हैं इसमें। केमिकली आपको आरएनए 20%, प्रोटीन 70-80, डीएनए 7-10, और एनओआर रीजन इसका रीजन करवाता है, और इसमें राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है, राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में स्पिंडल फॉर्मेशन और सेल की न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है आरएनए का। लास्ट जो इसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, डेट इज़ द न्यूक्लियर क्रोमेटिन, जिसको हम न्यूक्लियर रेटिकुलम भी कहते हैं। ये थ्रेड लाइक फाइबरस नेटवर्क होता है न्यूक्लियस के अंदर, फ्यूजन स्टेन होती है उससे जो इसको चढ़ती है, बेसिक स्टेन होती है डीएनए की, और फ्लेमिंग ने देखा था इसको 1882 में, और इसके दो पार्ट होते हैं हेटरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। हेट्रो जो है ये थिक होता है, डेंस स्टेन ज़्यादा चढ़ती है इसको, फ्लूजन स्टेन ज़्यादा चढ़ती है, ज़्यादा डार्क नज़र आता है, और इनएक्टिव होता है, इसमें कुछ ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन नहीं करता, इनएक्टिव पार्ट होता है ये, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, और इसमें रेप्लिकेशन लेट स्टार्ट होती है। यू क्रोमेटिन को ट्रू क्रोमेटिन कहते हैं, और ये एक्टिव होता है, और ये लाइट स्टेन इसको चढ़ती है। आरएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है ये। यानी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और इसमें क्रोमोसोम होते हैं जो हॉफ मिस्टर ने क्रोमोसोम के बारे में बताया था 1848 में, और इसकी जो टर्म क्रोमोसोम वाल्डियर ने दी थी, क्रोमोसोम टर्म जो वाल्डियर ने 1888 में कॉइन की थी। मुझे उम्मीद है आपको जो समझ आ रहा है साथ में, और जो क्रोमोसोम है इसमें दो आइडेंटिकल सब यूनिट होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड थर्ड लेग पार्ट होते हैं, इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और आपस में ये जॉइंटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। इसमें डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोमियर के साथ, जिसको कनेटोकोर कहते हैं, प्रोटीन का बना होता है ये, और इससे पास करते हैं स्पिंडल फाइबर और अटैचमेंट भी होती है स्पिंडल फाइबर की ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, अभी बाकी डायग्राम से बेटर क्लियरेंस हो जाएगी। ये मेटाफेज क्रोमोसोम है, बाहर इसके पेलिकल, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जहाँ सेंट्रोमियर होता है, और लास्ट में है सैटेलाइट, और कंस्ट्रिक्शन से होती हैं क्रोमेटा कहते हैं कलर्ड, और सेंट्रोमियर के हिसाब से एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं,
और यहाँ देख सकते हो आप क्रोमेनिमेटा जो है प्रोटीन कोट होता है, डीएनए 100 एमस्ट्रॉन्ग डायमीटर है, सेट क्रोमोसोम, 5 पेयर सेट क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21, 22 नंबर में आपको सैटेलाइट डीएनए मिलेगा। और एनओआर जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूक्लियोलस इससे अटैच होता है, और डीएनए जो है रैप करता है न्यूक्लियर प्रोटीन जो होती हैं, इसको न्यू बॉडी कहते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर होता है, H2A H2B H3 H4 के डबलेट होते हैं, और H1 लिंकर प्रोटीन होती है जो बेसिक्स प्रोटीन होती है। इस तरह से ये बीड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ऊपर देख सकते हैं आप टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटा एंड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, और यहाँ पूरा एनिमल सेल आपको नज़र आ रहा है। न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बना है क्लियरली विजिबल है, और ये था सारा न्यूक्लियस के रिगार्डिंग। लास्ट में इसके फंक्शन देखिए, स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाता है, सेल के फंक्शन, सेंसेस एंड एंडाइमेटिक प्रोटीन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, राइबोसोम बनाने में, वेरिएशन एवोल्यूशन में हेल्प होता है, सेलुलर डिफरेंशिएशन जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, तो ये देख सकते हैं आप एनिमल सेल, नीचे प्लांट सेल। कैसा भी लगेगा काइंडली कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में विद नेक्स्ट चैप्टर।